मैंने पूरा किया महादेव, एक भक्त का कर्तव्य पूरा किया। अब आप मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे, मैं आपके सबसे प्रिय भक्तों में सम्मिलित हो जाऊंगा। सब अचंभित हो रहे होंगे कि क्या हुआ है ना, मैं बताता हूं। जिन त्रिदेवों का इस संसार में सदैव वर्चस्व रहा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनमें से अब केवल दो ही रह गए, नारायण हमारे निकट से निकल लिया है। असो शक्ति के जिस त्रिमूर्ति को खंडित करना असंभव था, उसे मैंने कर दिखाया। मेरी प्रथम विजय। बधाई नहीं देंगे महादेव? कैसी अनुभूति हो रही है महादेव? दुख हो रहा होगा, पीड़ा भी हो रही होगी, एकाकीपन का आभास होगा, सर्वत्र रिक्तता होगी, दुर्बलता का भी आभास होगा, है ना महादेव? यही अनुभूतियां मुझे आजीवन हुई है, यही अनुभूतियां। सब कुछ सार है आपके कारण, और ये प्रथम चरण है महादेव, इसके अंतिम चरण में आपका विनाश होगा। महादेव, आपके दर्शन पाने हेतु मैं कब से ललायत था, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है प्रभु। आज मैंने एक भक्त का कर्तव्य पूरा कर दिया है। अपने आराध्य की परम सेवा की है, विष्णु को निगल दिया मैं। अर्थात अब से केवल आप ही पूजनीय है, केवल आप। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गूंजेगा सर्वत्र, आप मुझसे प्रसन्न है ना प्रभु? केवल एक बार कह दीजिए आप मुझसे प्रसन्न है प्रभु, केवल एक बार कह दीजिए। लोहिता, तुमने कहा था कि प्रभु मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, किंतु महादेव तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। प्रभु, प्रभु कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए प्रभु, कुछ तो कहिए। क्या हो रहा है लोहितांग? मैंने तुमसे कहा था इंद्र कि इस बार परिणाम भिन्न होगा।
जाओ महादेव पुत्र जाओ। सेनापति कार्तिकेय, आपको शीघ्र अति शीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नारायण की अनुपस्थिति से संसार में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, उसे केवल पृथ्वी ही नहीं समस्त लोकों का विनाश हो जाएगा। समस्त संसार की रक्षा हेतु, ऊर्जाओं की पुनः स्थापना हेतु स्वामी पृथ्वी के केंद्र पर चले गए हैं ध्यान करने। पृथ्वी और समस्त लोगों की स्थिरता अब भूकेंद्र में स्वामी की उपस्थिति से संबद्ध है, और जब तक सभी ऊर्जाएं पुनः स्थिर नहीं हो जाती, स्वामी इसी प्रकार ध्यान में स्थित रहेंगे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मामा जी की अनुपस्थिति से जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, उसको पुनः स्थिर करने के लिए कोई ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो मामा जी के बराबर हो, और तभी पिताजी भूकेंद्र से लौटकर मामा जी को वापस ला पाएंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि तब तक हमें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे? बहन, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। इस क्षण नियति के काल चक्र में हम दोनों की परिस्थिति समान है, भूमिका भी समान है। जिस पीड़ा की अनुभूति हमें हो रही है, आप स्वयं भी उस वेदना से अनभिज्ञ नहीं, किंतु बहन इस समय चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन करिए,
यदि ये स्थिति अभेद होती तो क्या स्वामी और भ्राता नारायण ये होने देते? सत्य कहना बहन, क्या एक क्षण के लिए भी आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि भ्राता नारायण को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची है? लक्ष्मी में अभी प्राण शेष है, कांता में कांति है एवं प्रभा में अभी भी प्रभा शेष है। नहीं, स्वामी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची है। यहां आई थी आपको साथ बना देने, किंतु ज्ञात हो रहा है कि मनी मन शक्ति से शक्ति प्राप्त करके जा रही हूं, किंतु ऐसी स्थिति में महादेव स्वामी इस स्थिति में वही कर रहे हैं जो इस स्थिति की आवश्यकता है। लोहितांग ने उन दोनों को पृथक करने का प्रयास किया है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि महादेव और नारायण का तारतम्य केवल त्रिदेव होने तक ही सीमित नहीं, ये तो एक परस्पर प्रेम, भक्ति और समर्पण का अटूट और अनंत बंधन है। चिरंतन काल से हर समस्या का समाधान उन दोनों ने किया है और चिरकाल तक करते रहेंगे। किंतु हमें ज्ञात है इस समय स्वामी एकाकी प्रतीत कर रहे हैं, क्योंकि जो हर समस्या में उनके साथ रहे इस बार उनका न होना ही समस्या है।